सवेरे में 12 बजे भी आना और पूछना कि बड़े भाई हमारे पिता की संपदा कहाँ है, तो हम 12 बजे रात को भी दिखाएंगे कि पिच्छी कमंडल शास्त्र हमारे पास आज भी मौजूद है। कहीं भी पूछ लेना, रास्ते में पूछ लेना, सड़क में पूछ लेना, अरे बीमारी में पूछ लेना, अरे जीते जी तो छोड़ो मृत्यु की अंतिम समय में भी पूछ लेना। तो हम अपने बाप की वसीयत लेकर के बैठे हुए हैं, और बैठे ही नहीं है, हमने वृद्धि भी की है, ध्यान संपदा को बढ़ाया है। कभी 500 साधु थे, कभी 900 साधु हो गए, कभी 1100 साधु हो गए, और आज 1200 साधु हम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। तुमको अधिकार है, तुम कभी भी पूछ लेना मेरे से, रमेश जी कभी भी आके चेक करना, 3 चीज दी थी भगवान ने, 3 आज भी हमारे पास है। अब मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूं, बोलो पूत कपूत और पूत सपूत कौन होता है, बोलिए। जो अपने बाप की संपदा को आगे बढ़ाता है वो सपूत होता है, और जो बाप की संपदा का नाश करता है वो कपूत हुआ करता है। आपको अपने अंदर जाग करके देखना है, कहाँ है आपका लोटा, कहाँ है आपकी डोरी, कहाँ है आपका छन्ना, कहाँ है आपका देवदर्शन, कहाँ है आपका रात्रि भोजन त्याग, और कहाँ है आपका छान कर पानी है, बताइए। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो क्या कहूंगा, कपूतों को छोड़ के आए, जिन वाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। ध्यान रखिए कहां है वो विरासत, है कोई ऐसा श्रावक जो रात में अन्न जल भी ना लेता हो? हाँ होंगे वो रिटायरमेंट जिनको सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया है, ध्यान रखिए वो जवान कहां है। महावीर ने ये सब हमको जवानी में दिया था, ध्यान रखना, क्योंकि वो जवानी में निकल गए थे, 30 साल की जवानी में, ध्यान रखिए। उन्होंने जवानी की संपदा हमें सौंपी थी, बुढ़ापे के लिए नहीं सौंपा था, जवानों को उन्होंने दिया था कि संपदा को संभाल के रखना। कहां है वह विरासत? नहीं है मान्यवर, आपसे निवेदन, इस विरासत को संभाल के रखो, क्योंकि हमारा मार्ग तो अलग है और तुम्हारा मार्ग अलग है, और तो मैं अपनी विरासत तो संभाल के रखूंगा, ये गारंटी से कहता हूं कि मैं तन तज दूंगा लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी तजने वाला नहीं हूं। मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं, शरीर छुड़ाना पड़े तो छूट जाए, लेकिन अपनी पिता की संस्कृति और विरासत को हम कभी छोड़ नहीं सकते।